Hey, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to a new gameplay video of Minecraft. तो guys, ये चीज़ finally आ चुका है, यानी Minecraft का 1.18 version finally release हो चुका है. वैसे ये November 30 में release हुआ था, पर आज हमें इसे पूरा explore करना है. तो जल्दी से video को like कर दो, channel को भी subscribe कर दो. okay, तो मुझे थोड़ा सा सर्दी खांसी है, क्योंकि अभी मौसम winter का हो चुका है, तो ऐसा होना ही था. पर कोई बात नहीं, हल्दी का दूध पीने से ना सर्दी खांसी इजीली ठीक हो जाता है, तो आज मैं पी लूँगा. तो ओके, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आज हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. ओके, तो अभी ना ये एकदम एक जंगल वाला एरिया है, तो पहले हम लोग नीचे उतर जाते हैं. मैं एकदम पेड़ के टॉप में स्पॉन हुआ था, और वहाँ पर एक आइस का एरिया है, और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आया होगा. पर ये जो आइस का पहाड़ टाइप का बना हुआ है ना, ये भी पहले इतना ही ऊंचा हो सकता था, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आया. हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और हम लोग सही में क्रिएटिव में है सच में. ओके, तो हम लोग को एक अच्छा सा जगह ढूंढना है जो प्लेन हो, क्योंकि वहाँ पर ना माउंटेन हो सकता है, और मुझे जंगल एरिया भी नहीं चाहिए फिलहाल. तो एक सेकेंड, मैं ना प्लेन जगह ढूंढता हूँ, यहाँ पर आसपास तो कहीं नहीं है, ढूंढते हैं जल्दी से. तो हम लोग को एक प्लेन जगह मिल चुका है, और यहाँ पर मुझे एक विलेज भी मिला है. तो मैं देखता हूँ कि विलेज में कोई चेंजेस आया कि नहीं, तो हम लोग विलेज को भी एक्सप्लोर कर लेंगे. और विलेज में अगर कोई चेंजेस आया होगा तो देखते हैं. लेट्स गो. यहाँ कोई है भाई? ये तू क्या कर रहा है? हट जा मेरे रास्ते से, हट जा मेरे रास्ते से, हटो भाई. मैं क्यों मार रहा हूँ लोगों को? तो मेरे ख्याल से विलेज में कोई चेंजेस नहीं आया है. तो वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ का घर है, जहाँ पर बहुत ओपी लूट होता है, कभी कभी डायमंड भी मिल जाता है. भाई कहाँ से लाता है ये सब डायमंड वायमंड आयरन, कहाँ से लाता है? छोड़ो इसे, चलते हैं. मार क्यों रहा हूँ मैं? तो चेस्ट में देखते क्या है. भाई एकदम बेकार सामान है यहाँ पर, तो कोई भी मतलब काम का सामान नहीं है. मैं तो सोचा था आयरन का कम से कम पिकैक्स या चेस्ट प्लेट वगैरह होगा, कुछ भी नहीं है यार. और अभी ना गाइस हाइट लिमिट ना 319 हो चुका है, 256 से ना 319 हो चुका है. तो हम लोग एक बार प्लैंक्स लेके ऊपर जाके देखेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये हाइट लिमिट. लेट्स गो. ओके, तो अभी हम लोग 256, और देखो गाइस हम लोग 256 से ज़्यादा भी जा सकते हैं, तो और ऊपर जाएंगे. ट्वेंटी भी जा सकते हैं. मुझे तो लगा था कि सिर्फ हम लोग 19 तक जा सकते हैं, पर हम लोग 20 जा सकते हैं. तो हम लोग चलते हैं अभी यहाँ से नीचे, बहुत ऊंचा है ये, हम लोग यहाँ से जल्दी से नीचे चलते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये. ओके, आ चुके हैं हम लोग नीचे. और ये जगह में ना गाइस मुझे ना ये दिखाता है, एक बहुत बड़ा सा केव दिखाता. और एक बात गाइस, कि अभी ना हमारा जो बेडरॉक है वो ज़ीरो में नहीं मिलता हमें, वो मिलता है -64 में. मतलब ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं. और ये केव बहुत बड़ा है. ओके, बच गए यार. हम लोग ना यहाँ पर पहले टॉर्च वॉच ले लेते हैं, क्योंकि बहुत अंधेरा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है. तो हम लोग पहले टॉर्च ले लेते हैं. टॉर्च कहाँ पर मिलेगा? ये पर कहीं पर होना चाहिए टॉर्च. मिल गया. और मैं ना सोच रहा हूँ हम लोग नाइट विजन का पोशन पी लेंगे, ताकि ना हम लोग को बार बार टॉर्च मतलब लगाना ना पड़े. और भाई ये कितना बड़ा है, आई थिंक यही वो वाला बड़ा वाला केव है जो बहुत ज़्यादा इनफिनाइट लगता है. और यहाँ पर मॉब्स भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर डायमंड भी इजीली मिल गया. मतलब डायमंड हम लोग को मतलब 12th या 11th कॉन्टिनेंट में मिलेगा, और यहाँ पर हमें -4 ये सब में डायमंड मिल रहा है भाई. और यहाँ पर नीचे भी और जगह है. और ये ज़ॉम्बी के हाथ में आयरन का स्वॉर्ड कहाँ से आ गया? कहाँ से लाया भाई? भाई इसको मैं मार रहा हूँ भाई. गया. और इस जगह में हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे. ये बहुत बड़ा केव है, मुझे ऐसा लग रहा है इसे देख के कि बहुत बड़ा केव है. और यहाँ पर मैग्मा है, दो ही मैग्मा है. मतलब क्यों भाई, क्या फ़ायदे के लिए लगा है?
और यहाँ पर जो बोलो मॉब्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जितना बोलो बहुत ज़्यादा है, मतलब गोल्ड का और है, रेडस्टोन है, डायमंड है, आयरन है। ओके अरे जल रहे यार, नहीं, तो लेकिन यहाँ पर मॉब्स बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर तो भाई एकदम बड़ा सा जगह है। हाँ मैं ना एक नेदरराइट का स्वॉर्ड ले रहा हूँ ये सबको मारने के लिए, मतलब यहाँ का यहाँ पर इन लोगों का कोई भी काम नहीं है, इतने अच्छे जगह में इन लोगों का कोई काम ही नहीं है। कहाँ गया वो स्पाइडर, ही पर था वो भाई स्पाइडर, ये ले मर जा यार, मार दिया यार सबको, आज मार रहा हूँ मैं बस। हेलो कोई है यहाँ पर? और कोई नहीं है यहाँ पर। और भाई यहाँ पर लावा भाई। तो गाइस ये जो केव है बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मैं ना सोच रहा हूँ कि हम लोग क्या इलाइट्रा से यहाँ पर उड़ सकते हैं, मतलब कि ये मतलब बड़ा बड़ा केव है तो ये जगह एक वाइड जगह है, तो हम लोग क्या इलाइट्रा से रियली यहाँ पर उड़ पाएंगे या नहीं, अभी हम लोग ट्राई करते हैं। ओके तो आई थिंक कि हम लोग उड़ ले पाएंगे, मैं अभी भी सोचने लगा हूँ क्या होगा। ओके तो एक सेकेंड एक सेकेंड, भाई ये एमेथिस्ट का जगह यहाँ पर है भाई, कितना अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हैं इसको, एमेथिस्ट का जो भी बोलते हैं, पर ये यहाँ पर मुझे मिल गया है, मतलब एक बड़े वाले केव के अंदर। और ये ना गाइस मुझे नहीं मिलता है, मतलब 1.17 में ही रिलीज़ हो चुका था, आ चुका था, पर मुझे नहीं मिला, मुझे जाके 1.18 में मिला। ओके तो हम लोग ये सब को अभी छोड़ते हैं, हम लोग को उड़ना है यहाँ पर, उड़ के ट्राई करना है, और यहाँ पर डायमंड भी है। तो गाइस मेरा ना आवाज़ थोड़ा सा मतलब अजीब सा आ रहा होगा, धीमा टाइप का, क्योंकि मुझे ना सर्दी है, इसलिए डोंट माइंड प्लीज़। ओके तो अभी हम लोग उड़ के ट्राई करेंगे, उस जगह में हम लोग जाएंगे जो सामने बहुत बड़ा सा एक होल टाइप का दिख रहा है। ओके नहीं नहीं गलती हो गया यार, फायर वर्क रॉकेट भी तो हमें पकड़ना है, तो लेट्स गो भाई 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 भाई। बहुत तेज़ी से हम लोग आए हैं, और ये थोड़ा थोड़ा लैग भी हो रहा है, लोड नहीं हो पा रहा है हमारा वर्ल्ड, थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, मतलब लोड नहीं हो रहा है, बहुत तेज़ हम लोग उड़ के आए थे, तो अभी हम उस तरफ चलते हैं। गाइस यहाँ इसमें ना इस वाले 1.18 में लश केव आया है जो बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग उसे भी ढूंढेंगे, इधर कहीं पर शायद से होगा, ढूंढते जल्दी से। तो गाइस हमें मिल गया है यहाँ पर एक फाइनली लश केव, और बहुत देर ढूंढने के बाद मिला है, और यहाँ भी भाई मॉब्स ने अपना कब्जा जमा के रखा है। भाई तुम लोग यहाँ क्यों आए हो भाई, सीरियसली लोग यहाँ पर भी आ चुके, अब ये क्यों बचा, इसको भी मार देते हैं, मर जा भाई। हाँ और भाई ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत छोटा सा है भाई, ये बहुत अच्छा लश केव ना गाइस, जो बोलो बहुत अच्छा लगता है। और देखते हैं यहाँ पर भाई इतना बड़ा है ये, सीरियसली कितना ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर अच्छा अच्छा एजेलिया भी लगा है, और यहाँ पर तो पूल भी है, छोटा छोटा स्विमिंग, मतलब स्विमिंग पूल नहीं बोल सकते, यहाँ पर एक्सलॉटल रहना चाहिए था, मतलब नहीं दिख रहे। और यहाँ पर माइनशाफ्ट भी है भाई, सीरियसली लश केव के अंदर माइनशाफ्ट, मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा, माइनशाफ्ट के अंदर लश केव है या फिर लश केव के अंदर माइनशाफ्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा। और भाई एक जगह में मैंने ना यहाँ पर माइनकार्ट और चेस्ट देखा था। ओके और यहाँ पर चेन है और ओक का लॉग है, ये ना गाइस ये थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक बना लेता है माइनशाफ्ट को, ये तो ना पहले बस ये फ्लोट होता था, मतलब माइनशाफ्ट का ब्रिज बस फ्लोट होता था, अभी ना ये चेन और ओक लॉग से मतलब लटका हुआ है ऐसा लगता है, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। और यहाँ पर और एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, भाई ये कितना बड़ा है ये जगह पूरा, मतलब माइनशाफ्ट और लश केव का पूरा मिक्सचर है यहाँ पर। और यहाँ पर तो भाई यहाँ पर भी शायद से मॉब्स होंगे, और यहाँ पर स्पॉनर भी मिल गया भाई, स्पॉनर कितने ढूंढने के बाद मिलता है, और यहाँ पर आँख के सामने हम लोग को ऐसे ही स्पॉनर पड़ा हुआ मिला है, और वो जो जगह आई थिंक कि वहाँ पर नहीं है। ओके भाई ये लश्केव कितना बड़ा, एंड ही नहीं हो रहा, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक जगह में ना गाइस मैंने माइनकार्ट विद चेस्ट देखा था, आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पर होगा, वो दूसरे जगह में, एक बार जाके देखते हैं मतलब। और यहाँ पर स्लाइम भी है, एक सेकेंड। ओके ग्लिच के वजह से गाइस हम लोग को ना फिर से वो एमेथिस्ट वाला जगह दिखा, पर अभी हम लोग को वहाँ पर नहीं जाना है, तो फिर हम लोग उसको लीव करते हैं। और भाई ये बड़ा सा फ्लावर, इतना बड़ा है ये, मतलब एक सेकेंड ये सच में ऐड हुआ है क्या? ओके इसका नाम है स्पोर ब्लॉसम, ओके जो भी बोलते हैं इसको, स्पोर ब्लॉसम कुछ भी, ये तो कितना बड़ा है, मतलब ये माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा फ्लावर है, और ये सिर्फ छत में ही लग सकता है ऊपर में। और यहाँ पर स्लाइम भी है, मतलब स्लाइम कहाँ से आ गए,
ओके भाई ये कितना बड़ा एंड ही नहीं हो रहा, मतलब ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ भी जाऊँ ना ये लश के मुझे नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है ये पूरा, मतलब ये जो एरिया है ना जहाँ पर हम लोग अभी घूम रहे हैं, पूरा लश के वाला एरिया है। पर भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके तो अभी ना हम लोग वो माइंड कार्ट विद चेस्ट लूट के जाएंगे, मतलब हम लोग को उसको लूटना ही है। पहले हम लोग ये ग्लो बेरी खा के देखते हैं। ग्लो तो मैंने सोचा था कि ये ग्लो करेगा या फिर आसपास का एरिया ग्लो करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसको हम लोग मार के गिरा देते हैं भाई। जॉम्बी का नो काम, मतलब कोई काम नहीं जॉम्बी का। ओके तो यहाँ पर है क्या चेस्ट? नहीं है यहाँ पर कोई, तो एक जगह में दिखा था, कहाँ गया यार? ऐसे तो जीने का ना, मतलब ऐसे मतलब एक कहाँ फंस गया भाई, ऐसा तो चीटिंग है। दिखा था, ओके ओके। ओ भाई हम लोग नीचे गिर गए। हेलो ओके तो यहीं पर कहीं पर दिखा था मुझे वो माइनक्राफ्ट विद चेस्ट, कोई एक ब्रिज के ऊपर रखा हुआ था वो। किधर यार, ऐसे अचानक से तो गायब नहीं हो सकता ना, कहीं तो होगा। ओके 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 नजर आ गया, दिख गया वो रहा वहाँ पर एकदम। ओ भाई गलती से तोड़ दिया, अरे हमें इसे लेना था, मैं गलती से तोड़ दिया यार। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, इसमें खास सामान वैसे भी था नहीं। और ये पूल देखो कितना अच्छा लग रहा है, और ये जगह भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा और ज़्यादा करेंगे। ये वाले पूल में ना एक भी एक्सलॉटल नहीं दिखे, मतलब एक्सलॉटल मुझे ढूंढना है। और यहाँ पर एक्सलॉटल नहीं है, मतलब अभी ना गाइस एक्सलॉटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लश के में स्पॉन होंगे, और वो जैसे पहले नॉर्मल पूल ने सब में मिल जाता था वो नहीं होगा। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस करना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।